नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया इंडिया गठबंधन पहल करके आगे बढ़ा करके बनाने का, लेकिन इंडिया गठबंधन के सम्मान रूप से जो जिन्होंने बड़े मेहनत के साथ एक लंबा चीज देखा, उसमें नीतीश कुमार की प्राथमिकता आवश्यक। सड़क से लेकर सदन तक पहली बार बोलने की आजादी छीन ली गई और संविधान पर कोई काम पहली बार आजादी के बाद अब नहीं होता है। सिर्फ मोदी जी की बात करिए, सिर्फ मोदी को लाने की बात करिए, सिर्फ बीजेपी की बात करिए, उसके अलावा दूसरे की बात करिएगा तो आपके जीने की आजादी, आपके जीने की चीजें छीन ली जाए। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, दिल बड़ा करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी देश के इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपनी राग अपनी अलाप छोड़ देनी चाहिए। 4.90 करोड़ वोट आई कांग्रेस को और 4.80 करोड़ वोट आया बीजेपी को। 10 लाख वोट ज्यादा होने के बावजूद बीजेपी जीत गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। झारखंड के बोकारो सर्किट हाउस में आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया गठबंधन को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और झारखंड को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। सत्ता में आने के लिए ये कोई कुकर्म करेंगे आप इसको समझिए। इंडिया गठबंधन को मैं समझता हूँ कि हर परिस्थिति में मेरी अपनी ओपिनियन है, नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया इंडिया गठबंधन पहल करके आगे बढ़ा करके बनाने का, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के डेट में इंडिया गठबंधन के सम्मान रूप से जो जिन्होंने बड़े मेहनत के साथ एक लंबा चीज देखा, उसमें नीतीश कुमार की प्राथमिकता आवश्यक है। और तब प्रेशर बनेगा बीजेपी पर कि जाति जनगणना और आरक्षण, तब पता चलेगा कि मैं तो देश को एक कर रहा हूं और इंडिया गठबंधन देश को जाति में बांट रहा है। तो जाति का इतना, ओबीसी का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है ये बीजेपी? अत्यंत पिछड़ा का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है बीजेपी? एसटीएससी का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है बीजेपी? कारण क्या है? इनको सिर्फ इस्तेमाल करना है वोट की राजनीति को। इसीलिए हिंदुस्तान आज, यदि आप देश को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र को, सड़क से लेकर सदन तक पहली बार बोलने की आजादी छीन ली गई और संविधान पर कोई काम पहली बार आजादी के बाद अब नहीं होता है, संविधान के बिल्कुल विपरीत। संविधान की बात करने वाले लोगों को ईडी चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप नहीं करिए, सिर्फ मोदी जी की बात करिए, सिर्फ मोदी को लाने की बात करिए, सिर्फ बीजेपी की बात करिए, उसके अलावा दूसरे की बात करिएगा तो आपके जीने की आजादी, आपके जीने की चीजें छीन ली जाएगी। हिंदी पट्टी का इलाका है, हिंदी भाषी जो लोग इलाका है, आप इसको उठा करके आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा सामाजिक आधार का जो विघटन हुआ है और जो स्थिति बनी है वो हिंदी पट्टी तो है। और अब तो इम्फाल से या जहां से हमारे राहुल गांधी जी की नई दूसरी यात्रा जो शुरुआत हो रही है और जो बिहार से भी निकलेगी, झारखंड से भी निकलने की संभावना है, तो मुझको लगता है कि इस बीच में किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी की यात्रा चलते रहे निकलते रहे, इस बीच में बिना किसी अहंकार के, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी मैं बड़ा तो मैं बड़ा, दिल बड़ा करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी देश के इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपनी राग अपनी अलाप छोड़ देनी चाहिए। और जो जहां जिस सीट पर जीतने वाला कैंडिडेट है, छोटी बड़ी पार्टियों को मिला करके, नहीं तो आप हमको एक बात बताइए ना, 4.90 करोड़ वोट आई कांग्रेस को और 4.80 करोड़ वोट आया बीजेपी को,
10 लाख वोट ज्यादा होने के बावजूद बीजेपी जीत गई। वोट शेयरिंग तो कई गुना ज्यादा है ना भाई विपक्ष का, उससे तो बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कई पीएम के दावेदार हैं इंडिया गठबंधन, बहुत मजबूत दावेदार हैं, जो इनके तरह डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज नहीं होंगे और संविधान के लिए। आपने 200 से ऊपर सांसद निकाल दिया, ये चर्चा नहीं हुई। तो जैसा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका है और उन्होंने ही उसे शुरू भी किया है, वहीं उनका ये भी कहना है कि झारखंड को बिल्कुल भी बिहार से अलग नहीं समझा जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।